Welcome to Time News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. कराची के इलाके महमूदाबाद में नालन के हद दखल खिलाफ ऑपरेशन दौरान रहवासन पुलिस में चक्रियों हवाई फायरिंग पथराव में बजणा जख्मी केतरी गाड़ियों जा शीशा टुटी पाया छिकताण सबब इलाको जंग जो मैदान बनल महमूदाबाद रोड ट्रैफिक लाए बंद गाड़ियों जो ड्रिगियों कतारों लगल अफगानिस्तान के एक ढी के दौरे से काबुल पहुतल वजीर आजम इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात बिन्हीं मुल्क विच में वफद की सतह से भी गालियों दौरान व्यापारी मुहिदे के हतमी शक्ल दिनी वही वजीर आजम अफगान सदर गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे खिते में जटादार अमन की बहाली लाए गडल कोशिशों जारी रखने तफाक कर वरतो वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान में पुरतशद वाक्यों से गणती जाहिर करने है अफगानिस्तान में अमन खिते की सलामती जो जामिन है असा अफगान अवाम अमन चाहूँ था मफामती अमल में पाकिस्तान हाकारी किरदार अदा कर रहो अफगान सदर अशरफ गनी जो चवण हो तो अफगानिस्तान में तशद के खात्मे लाए जंगबंदी चाहूँ था इन हवाले से पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करे सके तो बिन्हीं मुल्क विच में सहकार खिते की तरक्की लाए अणटण है अफगान सदारती महल में पहुंचने वजीर आजम इमरान खान के गॉड ऑफ ऑनर भी पेश कर यो मौजो समझ में ना आयो तो गिलगित बल्तिस्तान में वोट सब का पीपल्स पार्टी खयां पर सीटू तहरीक इंसाफ खड़ी वही पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जूं गिलगित में मीडिया से गालियों बिलावल चयो तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई जो इलेक्शन लीग बनल है जीपीए 21 में पोलिंग बॉक्स चोरी थिया औरतन के वोट दियण का रोको वो असां के सरकारी नतीजन के अचण जो इंतजार है कुछ जमायतू गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दागदार करण चाहन थी बिलावल भुट्टो जरदारी एक वही पार्टी जो सरबराह है खेस अड़ी गाल घुर्जन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर जो चवण हो तो इल्ज़ाम लगाया पा वन इलेक्शन कमीशन चूंड नतीजा लिकाय रही है को भी चूंड अमल आइन के उबतड़ थो है तो साबित करो जैसे कंखें खदशा तो इलेक्शन कमीशन से राबो कर लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत फंडिंग केस में गिरफ्तार हाफिज सईद के 10 साल 6 महीना कैद की सजा बुधाई छी 1,10,000 रुपया दंड लागू करण जो भी फैसलो हाफिज सईद की मिल्कियत भी जब्त करण जो हुक्म अदालत पारा केस में शरीक जवाबदार याया अजीज ए जफर इकबाल के भी 10 साल 6 महीना कैद की सजा बुधाई वही हाफिज सईद समेत बिन जवाबदार कलदम तंजीमों का फंड्स वठण जो इल्जाम
25 साल में सारा कब्जा माफिया छा गया है। बाबा इतना कब्जा है कि अगर एक प्लाट बेचे तो पाकिस्तान रेलवे का सारा खसारा खत्म हो सकता है। ये 90 लाख की एक एक कोच बनी है, 40 कोचें ये बनाई हैं। 1.8 बिलियन रुपीज जो है वो KCR पे लगाएंगे, अभी तक 17 मिलियन लग चुका है। 1.8 बिलियन इमरान खान ने हमें दिया है, सारे का सारा KCR पे लगाएंगे और कल के दिन की सवारी भी मुफ्त का ऐलान करते हैं। पंजवीन सालन का मौतल थियल कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबो बीहर शुरू। रेलवे वारे वफाकी वजीर शेख रशीद मंसूबे जो इफ्तिताह कयो। ट्रेन जो किरायो 30 रुपया मुकरर करण जो फैसलो। पेरे मरहले में पिपरी स्टेशन खां सिटी स्टेशन चंडीगढ़ रोड तई ट्रेनों हलंदियों। 13 स्टेशन तैयार। वफाकी वजीर शेख रशीद जो चवणा है त 25 सालन बाद कराची में रेलवे की जमीन जो नक्शो ही तब्दील थी वो है। कब्जा माफिया जो रेलवे ट्रैक से कब्जो थियल है। रहल ट्रैक जो कम मुकम्मल थियण से KCR जो दायरो वधायो। सिंध हाई कोर्ट सखर बैराज कॉलोनी में अगूणे MPA जावेद शाह के बंगले समेत गैर कानूनी तौर अजल कमर्शियल जायू भी ड्राण जो हुक्म दई छो। रिहायशी हद दखलियों खत्म करण के लिए 1 महीने की मोहलत। बुधनी दौरान एडवोकेट जनरल सिंध पेश थी करे अदालत के बुधायो त वडो वजीर कोरोना में मुब्तला थी वो है। फैसलो करण लाए मोहलत दिनी वही। अदालत रिमार्क्स ना तो अग भी हुकूमत के मोहलत रही चुका हूँ। जैसे 3 दिन अंदर कमर्शियल हद दखलियों खत्म न थियं तो रजिस्ट्रार की निगरानी में ऑपरेशन थो आपाशी अमलदार खिलाफ कार्रवाई भी कई वी। मनी लॉन्ड्रिंग पार्क लेन रेफरेंस में अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल टालपुर की 25 नवंबर तई हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत में बुधनी दौरान आसिफ जरदारी फरियाल टालपुर अब्दुल गनी मजीद पेश न थिया। अदालत आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक का पुछाणो किया पेश छो न थी रहा हो। फारूक एच नायक बुधायो त सिंध हाई कोर्ट बार की चूंडन सबब गैर हाजिर हुयस। लाहौर की एहतसाब अदालत ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करण जो हुक्म दई छो। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बीहर बख्तरबंद गाड़ी में पेश न करण जो हुक्म। अदालत एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से फैसलो कयो। अदालती हुक्म से घरू सेक्रेटरी SP हेडक्वार्टर्स पेश थिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दरख्वास्त कई हुई तो खेन जेल में तकलीफ है। बख्तरबंद गाड़ी में अदालत आने का रोको वन। अदालत में कैमराओं लगाए सीधी रीत आवाम के देखारियो तो नैब छा करे रहो है। LNG केस में अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत के गुजारिश कई। अदालत शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त रद्द करे छड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में चयो त मुखे 26 सिफन से बदल चार्जशीट दिनी वही है। सियासतदानन के बेइज्जत करण लाए इल्ज़ाम की फहरिस्त लगाई पई। वजीर आजम थियण कानून की भनकड़ी है। खबर ना तो फर्द जुर्म में केड़ा केड़ा इल्ज़ाम हया अथन। अदालत नैब का फर्द जुर्म बाबत तफसील घुरी वरता। हुकूमत रूपोश जवाबदार परदे वन की इजाजत दे थी पर इल्ज़ाम वरी अदलिया ते लगे थो। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम सबब अदलिया के घणो कुछ बर्दाश्त करणो पयो है। कें भी रूपोश के रियायत न दींदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुला जा इश्तिहारी करार दिनल जवाबदार की तकरीर नशर करण बाबत केस में रिमार्क्स। परवेज मुशरफ केस में ही चई चुका हूँ तो कें भी रूपोश के रियायत न मिली। रूपोश पेरी अदालत आलो सरेंडर कन पोए कानूनी हकन बाब मां फायदो खण की गाल कन। अदालत दरख्वास्त गुजारन के वकीलन के दलील मुकम्मल करण की हिदायत कदे बुधनी 16 डिसंबर तई मुलतवी करे छ। अल्लाह हू अकबर।
जनरल आईआर वेझो हथियार बंदन की फायरिंग में कत्ल थियल एसटीपी अगवाण अल्ताफ जस्कानी जी टंडवाल आईआर में तदफीन जनाजे नमाज में कॉम्प्रेस अगवाण समेत शहर के वे अंग शिरकत कई। अल्ताफ जस्कानी के कत्ल जो टंडवाल आईआर सेक्शन थाने ते अठन जवाबदार खिलाफ केस दाखिल। डॉक्टर कादर मक्सी जो चवण हो तो अल्ताफ जस्कानी के सोचल समझल साजिश तहत कत्ल कर वो लसानी तंजीम इन में मुलविस थी सके थी। एसटीपी के मरकजी अगवाण अल्ताफ जस्कानी के कत्ल खिलाफ सिंध के अक्सर शहर में शटरबंद हड़ताल। लाड़काणो टंडवाल आईआर घोटकी कंदकोट टंगवाणी कश्मोर बदीन कोटड़ी टंडो मोहम्मद खान टंडो बागो डिगड़ी मोरो मीरपुर साकरो गौसपुर जरवार नसरपुर नवाब वली मोहम्मद कड़ो घवर बन शहर में कारोबार बंद। एसटीपी जहाँ मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा पुलिस जो गश्त जारी। डिगड़ी में गुजल नी छिकताण हवाई फायरिंग जो एसटीपी के 14 कारकुनन खिलाफ केस दाखिल कर। कराची की मकामी अदालत डॉक्टर महाशाह केस में जांच ऑफिसर के शाहिदन जा बयान रिकॉर्ड करण वाली दरख्वास्त रद्द कर छड़ी। जांच ऑफिसर चालान जमा कराण लाए बीहर मोहलत घुरी वरती। अदालत 29 नवंबर तई चालान पेश करण जो हुक्म दींदे रिमार्क्स न तो ही आखिरी भेरों मोहलत रही रहा हूँ। महाशाह के मुबैना आबखात जो केस कराची के गिजरी थाने ते दाखिल है। दखण वजीरिस्तान में दहशतगर्दन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट से हमलो ब जवान शहीद। आईएसपीआर जो चवण है पाश जियारत वाले इलाके में दहशतगर्दन गुजल रात सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट के निशानों बढ़ाया। फायरिंग में ब जवान हवलदार मतलूब आलम सिपाही सुलेमान शौकत शहीद थी वया एक अहलकार जख्मी। वाके बाद इलाके में फोर्सेस जो ऑपरेशन जारी। सिंध में रोलू कुतन जो आजार खत्म न थो एक ढी में 19 जणा डाड़ जी जख्मी थी पया। लाड़काणे में रोलू कुतन 7 बारण समेत 13 जणन के डाढ़े जख्मी कर छो। छाछरे के मुख्तलिफ इलाकन में 5 जणा डाड़ जी जख्मी थिया। जाम साहब में भी मासूम निंगरी के कुत्ते डाढ़े जख्मी कर। कराची के इलाके सचल गोठ में गुम थियल सारंग उर्फ सुहेल मीरानी बशीर शर समेत 4 जणन की मीरपुर खास में गिरफ्तारी जाहिर। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद दावा किया है तो गिरफ्तार जवाबदारन कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर में 11 हंधन से रेंजर्स मथा क्रैकर हमला किया। सदन वास्तो पाबंदी वढ़ल तंजीम से है। एसआरए के रॉ फंडिंग कंदी है। रुकारल दे थर तां मौत टारो न कयो। बुख ए मुख्तलिफ बीमारियों विघे वधीक 4 मासूम बारा जिंदगी जी जंग हाराए पया। हलंदड़ महीने फौत थियल बारन जो अंग 29 हलंदड़ साल 684 थी वयो। मिठी ए बेन अस्पतालन में सहूलतुन जी अणहूंद जी शिकायत बददस्तूर बरकरार। सिंध बलोचिस्तान के दंगवारे इलाके में हथियारबंदन की फायरिंग सहाफी मारजी वयो। दिलमुराद थाने की हद में हथियारबंद प्रेस क्लब बाहू खोसो के जनरल सेक्रेटरी नूर लंजवाणी के फायरिंग जो निशानो बणाए फरार। पुलिस जो चवण है बिन धुरन विच में चोरी मामले ता हलंदड़ तकरार के नतीजे में सहाफी के कत्ल कर। खैरपुर के इलाके कोर्ट निजी वेझो जवाबदार फोन से गालण की तोहमत लगाए भाजाई के कत्ल कर छो। गोट फैजल महर में जवाबदार नजीर महर शकीला महर के कुहाण जा वार करे कत्ल कर। वाके बाद जवाबदार गिरफ्तार। मकतूल औरत जुलाश अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। मरीज की शेरपाव कॉलोनी वाले इलाके बिरोही गोट में एक घर में औरत जो तशद्दुद फाहो डनल लाशत सुणप 30 वरन की रहमत बीबी तौर थी।
दादू की अदालत नायाब नसल की हरणी के मारण जो नोटिस वठंदे शिकारिन ते केस दाखिल करण जो हुक्म दई छड़ियो। हरणी शिकार मामले बाबत केस की बुधणी दौरान वाइल्ड लाइफ टीम तरफा रिपोर्ट पेश, बुधणी 21 नवंबर तई मुलतव। अस्सलामु अलैकुम, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां हमीर शेख। हेडलाइन सां वठूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।